अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हज़रात, हमारे यूट्यूब चैनल इमामुद्दीन ऑफिशियल में आप हज़रात का इस्तक़बाल। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आप अच्छे होंगे। काली मेहंदी लगाना जायज़ है या नहीं बालों पर? देखिए मेरे भाई, आवाम में मशहूर है कि काला खिजाब नहीं लगा सकते, काली मेहंदी लगा सकते हैं, ऐसा आवाम में मशहूर है। लेकिन ये बिल्कुल गलत, क्योंकि हदीस पाक में जो ममानात आई है वो मुतलकन है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बालों को काला करे, लगाना जायज़ नहीं है। अब चाहे वो खिजाब हो, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे वो तेल हो, कोई भी चीज़ जो बालों को काला कर रही है वो लगाना जायज़ नहीं है, बल्कि हदीस पाक में है कि वो लगाना नाजायज़ और हराम है। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान, फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 9 निसफ आखिर सफ़ा नंबर 32 रज़ा एकेडमी मुंबई, आला हजरत फरमाते हैं हदीस पाक के हवाले से कि कोई भी चीज़ हो जो बालों को काला कर रही हो वो लगाना जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। उसको जायज़ है जो जंग में जा रहा हो, जो जंग के मैदान में उतर रहा हो जंग लड़ने के लिए, उसको काला खिजाब लगाना, बालों को काला करना जायज़ है। उसके अलावा कोई भी बालों को काला करना जायज़ नहीं है। अब खिजाब लगाते हैं काला, हराम। काली मेहंदी लगा रहे हैं बालों पर, हराम। कोई ऐसा तेल लगा रहे हैं जिससे बाल काले हो जाएं, हराम। तो याद रखिए, हराम काम से बचें। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग़।